आज देश की राजधानी दिल्ली के प्यारेलाल भवन में केल्विन इंस्टीट्यूट ने मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में शिव खेरा मौजूद थे और उनको सुनने के लिए दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल के बच्चों और प्रिंसिपल ने भाग लिया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, दीज आर फॉर्मेटिव ईयर्स, ये 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अगर इन लोग की बुनियाद अगर अच्छी हो जाती है, हम लोग जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप इनको अच्छा प्रिपेयर करेंगे तो रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, अगर प्रिपेयर नहीं करोगे तो रिपेयर करेंगे लेटर। तो यहाँ पर आइडिया इज़ टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन सो यू डोंट हैव टू रिपेयर लेटर। सो आई थिंक इफ दे गिव गुड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, मेरा ख्याल है इससे अच्छी देश सेवा कुछ नहीं हो सकती है कि दे आर प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडर्स देश के लिए। और आज जो देश में सबसे बड़ी कमी है, वी आर लैकिंग गुड लीडर्स। इनफैक्ट सरदार पटेल के बाद अच्छा लीडर इस देश में हुआ ही कोई नहीं। सो वी रियली नीड सम रियली गुड लीडर्स इन दिस कंट्री टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, अदरवाइज आज लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि हु विल लीड अस इनटू द गोइंग। मैं कहूँगा कि खाली बच्चों के नहीं है, बल्कि उन बच्चे सीखते कहाँ से हैं, माँ बाप से सीखते हैं, अदरवाइज उनको क्या मालूम है, बिल्ली रास्ता काट गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सी ये टोटल अंधविश्वास, और जो अंधविश्वास में बिलीव करते हैं वो भाग्यवादी हो जाते हैं, वो कभी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपने बहुत सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी सुनी है, आज तक कभी सेल्फ मेड फेलियर स्टोरी सुनी है? कभी नहीं। वो हमेशा ब्लेम करेंगे अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टार्स को, स्टाफ को, स्टार्स को, किस्मत को, दे विल नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब कुछ गलत होता है, रादर देन एनालाइजिंग और उससे सीखने से, ताकि एक सीख ले वहाँ से, हमेशा स्टार को ब्लेम करेंगे, दे नेवर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वजह से वो हमेशा वही गलती रिपीट करते चले जाते हैं, बार 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 कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, दैट्स ऑल। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोगों को, हमारे यूथ को, वी हैव टू प्रिपेयर। ये बहुत अच्छा यूथ है, दे आर लुकिंग फॉर डायरेक्शन, दे आर ओनली लुकिंग फॉर डायरेक्शन, कोई मिरेकल नहीं खोज रहा है, दे आर लुकिंग फॉर इन गुड डायरेक्शन इन लाइफ, और यही डायरेक्शन मिसिंग है हमारे आज देश में। एंड अच्छी लीडरशिप होगी तो दे विल सपोर्ट द। देखिए, जैसा मैंने कई बार कहा है कि केल्विन जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराती है, हमेशा ये बिलीव करती है कि हमें एक सिस्टमेटिक लर्निंग अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। और सिस्टमेटिक लर्निंग अप्रोच कहती क्या है कि पहले आप स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। जब स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाता है तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है इस दुनिया में जो कुछ ना कुछ प्रेशर ना फील करे। और जब आप उसके ऊपर प्रेशर आए तो इस तरीके के जो सेमिनार्स होते हैं जो उस प्रेशर से उसे डील करना सिखाएं, उसे मोटिवेट करें, ना सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर बल्कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि आप एग्ज़ाम तो शायद आपने जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपने दे दिए, लेकिन ज़िंदगी का एग्ज़ाम हमेशा चलता रहता है। एंड दैट इज़ वॉट केल्विन ऑलवेज बिलीव कि हमें सिस्टमेटिक लर्निंग के साथ अपने पूरे 100% एफर्ट्स देने चाहिए, जो कि हम हमेशा देते हैं, और उसी का नतीजा है कि हमारे पास कुछ एक अच्छा रिजल्ट जरूर है। देखिए, शिव खेरा जी को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि वो इंडिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे। और ये ठीक है कि नए लोग आते हैं जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सपीरियंस को काउंट ना करें, एक्सपीरियंस हमेशा मैटर। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं, पर हर सोच जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधविश्वास है। और हर वो चीज़ जिसे हम मानते हैं उसका मतलब भी नहीं है कि वो साइंस है। तो जो चीज़ें एक्सप्लेन हो पाती हैं साइंस के द्वारा उन्हें हम साइंटिफिक बोलते हैं, लेकिन हर वो चीज़ जो साइंस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाई है कभी नहीं कहती कि वो अंधविश्वास है।